ये मैंने बनाया है भाई साहब, ये मैंने बनाया है। रशियन गोल्ड 200। मुंबई का लड़का रशिया है, हम इसको फोटो में देखते थे और बोलते थे क्या खूबसूरत है। आज उसके पास है और थोड़ा करीब लेके चलते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल माय स्किल्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रसिया। गुड मॉर्निंग कैसे हो? अच्छा तूने दो व्लॉग से कैसे हो बोला ही नहीं और कल भी वो ऐसे इतने तामझाम में मैं भूल गई। और मेरे दोस्त गुड मॉर्निंग सबसे फ्रेश मॉर्निंग उसकी लग रही है। रात को जो थक के आए थे पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आया मेरे को, ऐसा डेड स्लीप मिला है ना, मतलब मजा आ गया, पूरा बॉडी अभी रिफ्रेश है। और आज का कार्यक्रम हम शुरू कर सकते हैं। बरीज खान एक नए व्लॉग में आपका स्वागत करता है। अगर आप यहाँ पर नए हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बरीज खान मेरा रशियन नेम है। कोई तो कॉमेंट करके पूछ रहा था ये दो व्लॉग से बरीज खान कौन है बरीज खान, उसको समझा नहीं। गो गोवा गॉन मूवी देखे आपको समझ में आ जाएगा बरीज कौन है। कुछ आप लोग को सूचना देनी है जो जनहित में जारी है। अगर रशिया कभी जिंदगी में सोच रहे हो कि आना है, यहाँ पर इमिग्रेशन का जो पंगा होता है ना वो बहुत ही लेंदी होता है। दुबई में भी हमने क्लियर किया था इमिग्रेशन, थाईलैंड, म्यांमार, कहीं पे भी मैंने ये फेस नहीं किया। जितनी कंट्री मैंने ट्रेवल किया है यहाँ पर बहुत टाइम लेते हैं और बहुत डिटेल में सारी चीजें पूछते हैं। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर डिटेल आइटिनरी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 10 दिन ला रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो 10 दिन कहां रुकोगे, कहां कहां जाओगे। और ऐसा भी नहीं कि आपने कोई एक फेक बुकिंग करके उनको दिखा दी, वो होटल में कॉल भी कर सकते हैं अगर उनका मन हुआ तो। और एक बात, यहां पर लूटने के लिए हर कोई बैठा है। जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले थे, जो हमारा होटल है यहां तक पहुंचाने के लिए, वो 3,000 रूबल कह रहा था। और हमने एक यांडेक्स गो करके यहां पर ऐप है जो उबर की तरह ही काम करता है, उसमें हम लोगों ने 1450 में बुक किया था। 1450 में हम लोग यहां पहुंच गए थे। जब सिम कार्ड देख रहे थे एयरपोर्ट के अंदर, तब उसने हमें कहा था 2,000 रूबल में अनलिमिटेड एक महीने के लिए। वो हमने बार्गेनिंग करके 1,000 रुपए करवाया। 1,000 रुपए भी महंगा था, 600-700 में मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर बार्गेनिंग जरूरी है। ये तो अपने वहां पर भी चलता है, मुंबई जैसे ही है। मेरा ये वाला जो बैग है ना, ये काफी सॉर्टेड है यार, इसमें चीजें हैं। जैसे जो मेरा रक्सैक बैग है ना, उसमें अगर कोई चीज निकालना होता ना मुझे, तो थोड़ा 2-4 चीजें निकालनी पड़ती, थोड़ा पसारा फैल जाता है। इसमें सॉर्टेड है यार, अगर मान लो मुझे कुछ चीज निकालना हो ना, मतलब सारी चीज अरेंज्ड है। अब मुझे इसमें से एक निकालना है स्वेटशर्ट। अच्छा ये भी चाहिए ना अपने को, तो ये मेरा मल्टीविटामिन, प्रोटीन कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैकेट्स रखे हैं, यहाँ पर जीन्स है, आज मैं ये वाला पहनूंगा। तो ये निकल गया और फिर ये सारे टी शर्ट मैंने वापस रख दिए। पैकिंग सॉर्टेड है इसमें। और जो रैकसैक बैग होता है ना, उसमें मैं सारे कपड़े ऐसे गोल घुमा के रखता हूँ। एडवांटेज है इस बैग में भी और कुछ डिसएडवांटेज भी है। अगर ट्रैवल पे जा रहे हो ना, तो ट्रैवल एटीट्यूड गुजराती फैमिली की तरह होना चाहिए। हमारे साथ एक गुज्जू है। गुज्जू बोले तो ऐसा ऑफेंडेड नहीं होता ना? बिल्कुल ठीक है। ये हमारा गुज्जू बॉय ने अपने बैग में, इनका बैग था 10 किलो का, 10 किलो में से 7 किलो सिर्फ खाने लाए, बाकी 3 किलो इनके कपड़े है। दिखाओ भाई क्या क्या लाया। पहले तो थेपला है, होममेड थेपला, मम्मी ने 25-30 थेपले बना के दिए। कुछ भी ऐसा मन किए, भूख लगे, बस दबाते जाओ उसको, मजा आएगा। कल रात को ये सब खा रहे थे हम लोग, कल रात को इधर होटल में तो बहुत लेट पहुंचे, तो खाना किधर मिल रहा नहीं था। ये सब खा रहे थे, चकली वगैरह उधर रखा है, चकली भी खाया, बेल लाया था, बेल खाया, थेपला मैंने एक खाया। ये सब 3 मिनट में कांदे पोहने से पोहा बन जाएगा, गर्म पानी में डालो। और गर्म पानी के साथ खाने के लिए पाव भाजी भी है, सिर्फ पाव ढूंढना पड़ेगा, जीरा राइस भी है, बहुत सारी चीज है। यहाँ पाव मिलना मुश्किल है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा आपको दिखा जाएगा कि क्या क्या बना रहे हम लोग गर्म पानी में, और सब चल रहा है, बिस्किट वगैरह सब कुछ है। 3 मिनट वाला कितना लाया भाई? 1, 2, 3 वेरी गुड। आंटी जी, अंकल जी, थैंक यू सो मच, मतलब ये चीज बहुत बढ़िया हुआ है, मतलब बहुत बढ़िया। ये हमने जारा से शॉपिंग की थी स्वेट शर्ट, अभी तक इसको काटा ही नहीं हमने, तो ये हो गया। और ये काफी परेशान करता है मेरे को। ठीक है, ये हो गया आज के दिन, ये स्वेट शर्ट और ये जीन्स का कॉम्बिनेशन होगा। ऑलराइट, तो लड़की तैयार है, लड़का भी तैयार है, और ये वाला लड़का चमक रहा है क्या। अभी टाइम हो रहा है 4:30, रशिया के हम लोग निकल रहे हैं। एक परेशानी है रशिया की, मतलब कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ी है वो। क्या है पता है? हटो। मैं? अरे हटना। तो ये हमारा बाथरूम है, बहुत छोटा है, छोटा परेशानी नहीं है, परेशानी है कि यहाँ पर जेट स्प्रे नहीं है, टिश्यू है, टिश्यू से साफ करना पड़ता है, परेशानी ये है। अपने को टिश्यू उशू जमता नहीं है क्या? तो यहाँ पर एक बॉटल हमेशा पड़ा रहेगा, बाकी आप समझ जाए। और ये बाथरूम है, बाथरूम भी बहुत ही ज्यादा ऐसा कॉम्पैक्ट है।
अच्छा लग रहा है यार ये लड़का, मेरे को अपनी नजर ना लग जाए। फोर्थ फ्लोर पे हम लोग, तो फोर्थ फ्लोर से नीचे जाना है। हेलो इन रशिया, प्रिवियत, ऑल इन स्किन्स। मैं पूछ रहा था हेलो को क्या बोलते हैं। क्या बोला? प्रिवियत। कभी कभी क्या होता है ना कि गूगल में कुछ अलग होता है और जो लोकली बात करते हैं वो कुछ अलग होता है, इसलिए कंफर्म कर रहा था। वेलकम टू रशिया। ये हमारे घर के बाहर, होटल के बाहर का सीन है। कोई भी जब मॉस्को आता है ना वो जाता है रेड स्क्वायर में, और हमारा होटल रेड स्क्वायर से इतना पास है, यूं समझ लो वॉकिंग डिस्टेंस, ऐसे छलांग लाया पहुंच जाएंगे। और होटल किसने ढूंढा है? श्रेय जाता है इनको। स्पसिबा। जगह तो काफी सही है यार ये, अगर हमारे मुंबई से अगर कंपेयर करना है ना तो हमारे मुंबई में जो फोर्ट वाला एरिया है ना वो समझ लो, लेकिन बहुत मतलब बड़ा वर्जन। बड़ा साफ, आवाज कम है। आवाज है स्पोर्ट्स बाइक का। स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स बाइक की आवाज है। कौन की आवाज नहीं आ रही? जी जी जी, जो कॉन्स्टेंटली वहाँ पे चालू रहता है मुंबई में। अभी हम लोग बैठे हैं कुछ खाने के लिए। ये जो कैफे है इसका नाम है अवोकाडो वेज कैफे है, वीगन कैफे। यहाँ पर अगर नॉनवेज खाना है ना तो सब कुछ देखना पड़ता है, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। और यहाँ पर बताइए जो मेन्यू होता है वो यहाँ पर सब और सब रशियन में होता है। अब लकीली यहाँ पर इंग्लिश भी है, तो जब ये है तो इसमें तो समझ में आएगा नहीं कि क्या लिखा हुआ है। सब लोग ऐसा टूटा फूटा हमारा बात समझ रहे हैं। नहीं, कुछ लोग को नहीं समझ रहे। तो मैं एक लैंग्वेज सीखने पड़ेगी जिसे कहते हैं दिल की लैंग्वेज। अरे मैं कितना दिल दिखा रहा था उसको, मैंने देख लिया तुम लोग की दिल की लैंग्वेज से सुसु कैसे पूछ रहे थे। वन पटेटो, वन बर्गर एंड वन बर्गर, टू बर्गर वन पटेटो। ऑलराइट, इट्स ऑल। हां, डू यू वांट टू ड्रिंक समथिंग? नो, या दैट्स इट। देयर आर बोरेस बरीज, अलादीन मिक्स हो रहा है। कैन यू डिसाइड टू है कौन? तो जनरली हम जब ऑर्डर करते हैं तो कैसे पूछते हैं वन बर्गर और पटेटो, लेकिन यहां पर पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक बर्गर होता है तो ऑटोमेटिकली आ रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, देर इज बरीज इन साइड मी, आई कैन डू एनी थिंग। वेर एवर आई गो आई लाइक यू नो आई अडेप्ट दैट नेचर एंड एवरीथिंग। आई एम द मल्टी पर्सनैलिटी पर्सन। नो डॉक्टर के पास गेट योरसेल्फ टेस्टेड। यार और आई वांट दिस। हाउ टू गेट इट? We'll find out. Yeah, अगर कभी ऐसा आ जाए ना बात करते करते और रशियन एक्सेंट एंड एवरीथिंग तो पार्डन मी प्लीज। कभी जिंदगी में ब्लैक बर्गर मैंने नहीं खाया। वो सही दिख रहा है यार, डिलीशियस दिख रहा है। ये टोस्काना और वो ब्लैक बन बर्गर दोनों वीगन है। पहली बार आई थिंक मैं लाइफ में नहीं, दूसरी बार वीगन खाना खा रही हूँ। मैं खाते रहता हूँ, अपने को पता नहीं चलता है। एनीथिंग दैट इज नॉट नॉनवेज और डेयरी इज वीगन। आ रहा ना तेरा पोपट कर दिया। ओके, तो हम इसको बोलेंगे ब्लैक बर्गर, ब्राउन बर्गर, पोटैटो वेजेस। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और एक बात, यहाँ पर बादल भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर एक टाइम लैप्स लगाया गया ताकि जो बादल मूव हो रहा है कैप्चर कर पाए। तो आप बादल देखें, हम खाना खाते हैं। हो गया हमारा खाके, अभी हम जा रहे हैं रेड स्क्वायर के पास जो कि यहाँ का बहुत फेमस है, बताया ना मैंने। ठीक, ये जो चीज हमें चाहिए थी वो यहाँ पर है। अब ये पता लगा रहे हैं, वेजू ऐप करके कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ। ये बारकोड है, वो ऐप से स्कैन करना फिर लेके जाना है। बढ़िया, क्रेजी है, तू चला पाएगी इसको? मैं बोल रही हूँ रात को चलाते, जब पब्लिक नहीं होगी तो कम से कम मैं सीख तो जाऊँ। फुटपाथ वगैरह ज्यादा खाली रहेगा ना? अभी बहुत क्राउड है, किसी में ठुक जाऊंगी वापस इंडिया जाना। प्रोसेस ये है कि यांडेक्स गो जिससे हमने अपनी कैब बुक की थी वही ऐप से इसको भी बुक कर सकते हैं। इसको स्कूटर कहते हैं। तो जो हमने स्कूटर देखा था उसका प्राइस था 6 रूबल पर मिनट और हमें पूरा घूमना है तो काफी ज्यादा टाइम चलेगा और काफी ज्यादा पैसे चलेगा। तो अभी वो आइडिया ड्रॉप किया है, लेकिन वो चलाऊंगा 100% चलाऊंगा। क्रेजी है, मैं वही कह रही हूँ कि शाम को जब उतरेंगे ऐसे टाइम पास करने या ये ब्लॉक में घूमना है तब निकालेंगे ना। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप जिसमें ये घड़ी बना हुआ है, यहाँ पर हमारा होटल है और वहाँ से कैमरा घुमाएंगे और ये है रेड स्क्वायर। देख रहे हो कितना पास रहते हैं हम।
वहाँ से हम लोग अंदर आए और बस गिन के 1, 2, 3, 5 कदम चले होंगे और हम थक गए। थकने का मतलब ये है कि 5 कदम में हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया और इतना कुछ शूट कर लिया। अब ऐसा हमको लग रहा है कि भी आगे तो बहुत सारी चीज देखना बाकी है और मैडम कह रही है जल्दी जल्दी करो। मैं पता है क्या सोच रहा था, अभी बज रहा है 6:30, यहाँ पर तो शाम होती नहीं है। ऐसा नहीं होता है, कल था ना अंधेरा, तो 10 बजे तक था ना, 9:30 बजे के बाद ना, और यहाँ पर जब शाम होती है ना तो एक क्रेजी चीज। आजा मेरे साथ ना। जब यहाँ पर शाम होती है ना तो ये वाला जो लेन है, मैडम थोड़ा एक्सप्लेन करो। क्या कुछ नहीं, बस यहाँ पे जादू होगा। ये जो देख रहे हैं आप ऊपर, ये पूरा लाइट जल जाता है और ये लेन में एक अलग खूबसूरती देखने को मिलती है। इसके लिए फिर शाम को आएंगे, उसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आना पड़ेगा। चलो फिर यहाँ से चलते हैं अभी। क्या ये क्रेमलिन? अच्छा यही है जहाँ पर प्रेसिडेंट रुकते हैं। और इसके बाजू में ये जो है ये म्यूजियम है, हिस्टोरिकल म्यूजियम। जाएंगे अंदर? नहीं, देखो जाने गए म्यूजियम में, घूमते थोड़ा सा। इधर आ गए तो मॉस्को तक आ गए, मुंबई से घूमते थोड़ा सा। मुंबई का लड़का मॉस्को में, मुंबई का लड़का रशिया में। How much money? 300 rubles. 300 rubles. Yes. Okay. Any less? Discount. 4 coin buy, 5 coin free. 200 rubles? No. It's handmade. No. 250? No. I говорю, 4 coin you can buy, 5 coin free. Okay, 300 rubles. Yes. Okay. Yes. डील देने जी, माना ही नहीं यार, इतना डिस्काउंट कराने की कोशिश किया। आई यस यस हैमर, गिव मी दिस दिस वन। ओके रो रेडी, नाउ आई 1, 2, 3 डन। नो वन मोर स्ट्रांग प्लीज। पीछे से देखिए इज इट वेरी स्ट्रांग। यस Okay, done it. This is Moscow and this is church. It is done. See you later, alligator. Yeah. Okay, see you later, alligator. All right then. Natives. Yeah. Thank you, man. Cool. Opa, for you. ये मैंने बनाया है भाई साहब, ये मैंने बनाया है. Okay. Gold. Gold. Okay. Russian gold. Russian gold. Yeah, brother. Thank you. Okay. Have a nice day. Yeah. All right then. See you later, alligator. 200. ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको मैं दूर से देख रहा था तो ये बिल्डिंग लग रहा था, पहले आप देख लो। और जब पास आया तो पता चला ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग नहीं है, उसका रिस्टोरेशन या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रेनोवेशन का कुछ तो काम चल रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर जो नेट लगा था सिमिलर लुकिंग एक नेट बनाया है वो लोग। अरे हमारे इंडिया में कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो पता ना क्या लगाते, पत्रे लगाते। पेंटिंग वाली बिल्डिंग के बाजू में है द वेरी फेमस सेंट बेसिल। क्या कितना याद नहीं है, सेंट बेसिल कैथेड्रल। एक प्रीस्ट था, उनका नाम है बेसिल, सेंट बेसिल, तो फादर को सेंट बोलते हैं ना, जैसे मेरे स्कूल का नाम सेंट जॉन्स है तो वैसे सेंट बेसिल कैथेड्रल, ये उनका चर्च ऐसा बोल सकते हैं। सेंट बेसिल कैथेड्रल में आ गए, स्वागत है, स्वागत है। हम इसको फोटो में देखते थे और बोलते थे क्या खूबसूरत है। आज उसके पास है और थोड़ा करीब ले चलते हैं। तो ठीक है जी, सेंट बेसिल कैथेड्रल में घूम के हमारा हो चुका है। आई होप आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सब एकदम बढ़िया है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लिव लाइफ लिव योर ड्रीम। बूम। सूचना जनहित में जारी बताना जरूरी है पब्लिक को यहाँ पर, नहीं तो क्या पब्लिक आएगी फिर बोलेगी यार तूने बताया नहीं, यहाँ पर टिश्यू पेपर ही है, जेट स्प्रे नहीं है। हमारी संस्कृति में ये सब नहीं होता भाई।